इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके पास ना तीन कंसेंट्रिक शेल्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इंडक्शन नाम की चीज़ है जो शेल्स में लगती है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसका एग्जांपल दिया था, लेकिन और थोड़ा क्लियर बता देता हूँ ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ ना करें। तो इसमें बेसिकली क्या है कि मान लो आपके पास एक शेल है, शेल ना कई तरीके की है, जैसे एक थिक शेल है, लास्ट टाइम बताया थिक शेल का मतलब एक शेल है ये जिसके अंदर ये कंडक्टर भरा हुआ है, ये एक थिक शेल है, ठीक, ये थिक शेल है। इस थिक शेल के अंदर एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो बाय इंडक्शन इसकी इनर सरफेस पे क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू, और बाय इंडक्शन आउटर सरफेस पे क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता तो अंदर कुछ नहीं बनेगा। पहला रूल क्लियर है, इसका नाम है थिक शेल, ठीक है। एक है थिन शेल, थिन शेल बस ये थिन शेल है, इसकी ये इतनी मोटी सरफेस पतली सी बना देनी है। थिन शेल के अंदर अगर क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको, बाकी चीज़ें तो सेम ही चल रही हैं, ठीक है। एक है कंसेंट्रिक शेल्स, शेल के अंदर शेल, नॉट थिक शेल, दो पतले शेल, एक शेल और दो शेल, फोटो देखते पता नहीं लगेगा, अगर वो शेड ना करे ना बीच में तो पता नहीं लगेगा, लगेगा एक जैसे डायग्राम है। ये दो पतले पतले दो शेल है, बीच में हवा है, इसमें भी और इसमें भी है कुछ नहीं, तो इसमें अगर मैंने क्यू चार्ज दिया तो इसके अंदर माइनस क्यू, इसके बाहर प्लस क्यू, इसके अंदर माइनस क्यू, इसके बाहर प्लस क्यू, ऐसे इंडक्शन लगती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मटीरियल तो है नहीं, तो प्लस क्यू का माइनस क्यू का प्लस क्यू का माइनस क्यू का प्लस क्यू, ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस क्यू इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेगा, यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये प्लस चार्ज आउटर के इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लेगा, बाहर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इंडक्शन क्लियर है यहाँ तक। तो मोटे शेल में, थिक शेल में क्या लगता है, सिंगल शेल में क्या लगता है, कंसेंट्रिक शेल में क्या लगता है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है ना यहाँ तक, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे हो सकता है वो आपको शेड करके ना दे, लिख दे थिक शेल, बंदा थिक नहीं पढ़ता, बंदा सोचता है कि एक जैसे डायग्राम है यार, ये भी थिक है या कंसेंट्रिक, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि अगर ये थिक है तो इसके अंदर चार्ज नहीं आएगा, और कंसेंट्रिक है यहाँ भी चार्ज आएंगे, सही है। तो अब इसमें तीन शेल्स हैं, एक शेल है, दो शेल है, और ये तीसरा शेल हो गया, तीन शेल्स है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कि तीन शेल्स का रेडियस r, 2r, 3r है, एंड आर गिवन चार्जेस q1, q2 एंड q3। वो कह रहा है जी मैंने इनको चार्जेस खुद दिए हैं, इसका रेडियस कितना है r, इसका कितना है 2r, इसका कितना है 3r। वो कह रहा है कि q1 शेल को, फर्स्ट शेल को मैंने खुद चार्ज दिया q1, सेकंड शेल को मैंने खुद चार्ज दिया q2, थर्ड शेल को मैंने खुद चार्ज दिया q3, तुम मुझे ये बताओ कि इसकी रेशियो क्या होगी सच दैट डेंसिटी सिग्मा, क्वेश्चन में मेंशनड है, लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो डायग्राम, इसमें लिखा हुआ है सच दैट सरफेस डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस ऑफ द शेल रिमेन सेम। तो मतलब सरफेस डेंसिटी आउटर शेल का मतलब ये देख रहे हो, ये आउटर है, ये आउटर है और ये आउटर है, तो इन जगहों पर सिग्मा की वैल्यू तीनों के लिए क्या रहेगी सेम, ये गिवन है। तो बताओ चार्जेस की रेशियो मैंने क्या दी थी शुरू में, शुरू में मैंने क्या दी थी वो आपको बताना है, इन शेल्स को मैंने क्या चार्ज दिए ताकि सिग्मा बराबर रहे इन तीनों का, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब मैंने इनको चार्जेस दिए थे तो चार्जेस ना रीअरेंज हो गए, मैंने तो आउटर सर्फेस फेंक दिए जाके, पर रीअरेंज इसलिए होगी कि अंदर इंडक्शन लग गई, अब इंडक्शन के चक्कर में अरेंजमेंट हो जाता है चार्ज का, कोई अंदर चला गया कोई बाहर, कोई अंदर कोई बाहर, कोई अंदर कोई बाहर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही हुआ होगा। अब वो तो मुझे पता नहीं कैसे हुआ, पर कुछ तो हुआ, हाँ, पर मुझे इतना पता है कि मैंने चार्ज क्यू वन दिया था, मैंने क्यू टू दिया, मैंने क्यू थ्री दिया, और उसने कहा कि सिग्मा आउटर सर्फेस पे सेम है। सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। ये बताओ इनर सर्फेस के का एरिया कितना है, फोर पाए आर स्क्वायर, आउटर सरफेस का एरिया कितना है, फोर पाए टू आर का स्क्वायर, और बाहर आखिरी वाले का ये, ठीक है। तो ये एरिया,
अब सिग्मा सेम रखना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सिग्मा तीनों का क्या एग्जैक्टली सेम। तो बोलो अगर मैंने इसको चार्ज अंदर वाले को Q1 दिया था क्योंकि सिर्फ अंदर वाला शेल है जिसका चार्ज डिस्टर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर इंडक्शन तो लग नहीं सकती, इंडक्शन हमेशा बाहर ट्रेवल करती है अंदर नहीं आती, तो यहां से स्टार्ट होकर ऐसे जाती है, तो इस पे चार्ज तो हर वक्त Q1 ही रहेगा। तो पहले वाले सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? Q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो दूसरे की सरफेस डेंसिटी पे, दूसरे की इस सरफेस पे बोलो क्या चार्ज लगाऊं ताकि सिग्मा सेम रहे? इसका एरिया में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 4। तो मुझे क्या लगाना चाहिए? 4Q1, ताकि सिग्मा की रेशियो क्या रहे? सेम। तो मुझे ट्रिक पता लग गया, मैंने फटाफट लिख लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, अगर मैंने इसको छेड़ दिया मेरा सिग्मा छिड़ जाएगा और सिग्मा मुझे कांस्टेंट रखना है। तो ये तो मुझे पता लग गया कि इसके बाहर की सरफेस पे Q1 चार्ज है, 4Q1 चार्ज है, और यहाँ पे क्या लूँ? 9Q1, ताकि ये कट जाए और आंसर क्या आ जाए? सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? किसी भी हालत में ये चार्ज को छेड़ूंगा नहीं, कोई डाउट? सही है। अब मुझे ये पता है कि इंडक्शन तो लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर भी चार्ज तो है, लोअर सरफेस पे चार्ज है, वो देख लें कितना चार्ज है। लोअर सरफेस पे चार्ज है, शुरू अंदर से करेंगे। Q1 ने यहां क्या जनरेट किया? माइनस Q1, और इसके बाहर की तरफ क्या हुआ होगा? प्लस Q1। पर अगर मैं यहां प्लस Q1 लेता हूं तो मेरा चार्ज 4Q1 प्लस Q1 कितना हो गया? 5Q1। और अगर मैंने चार्ज चेंज किया तो मेरा सिग्मा हिल जाएगा। तो मैं लोगों को यह कहूंगा, भाई 4Q1 नहीं, चार्ज तो 3Q1 था, मैंने इसको चार्ज दिया था कितना? पहले वाले को Q1, तो दूसरे वाले को क्या दिया था यहां पर? 3Q1, क्योंकि -Q1 में से यहां पे जो अंदर का Q1 है वो एक इंडक्शन की वजह से है, तो मैंने कितना दिया था? 3Q1। तो एक Q1 कहां से आ रहा है? भाई इंडक्शन हो गई इंडक्शन। अच्छा मन में सोच लो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, 4Q1 को मन में सोचो, 3Q1 चार्ज दिया था और Q1 कहां से आया? इसकी वजह से आया। अब ठीक है, क्योंकि नेट क्या होना चाहिए? 4Q1। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, अब मुझे पता है कि यहां पे अगर 4Q1 है तो इसके नीचे क्या आएगा? -4Q1, और बाहर क्या आएगा? +4Q1। पर मैं ये बोल नहीं सकता कि 9Q1 +4Q1 करो मेरा चार्ज हिल जाएगा, तो मैं ये बोलूंगा कि इसको मैंने चार्ज दिया, इसका चार्ज खुद का 5Q1 था और 4Q1 कहां से आया? बाय इंडक्शन। तो ये चार्ज किसकी वजह से है? बाय इंडक्शन। ये चार्ज किसकी वजह से है? बाय इंडक्शन। तो मैंने फर्स्ट को क्या चार्ज दिया था? Q1। तो सेकंड को क्या दिया था? 3Q1, और लास्ट को 5Q1। तो रेशियो क्या आ गई? 1:3:5। आंसर 1:3:5। पॉइंट समझ में आया यहां तक? कैसे हुआ ये? क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूं Q1 का -Q1 का +Q1, तो ये 5Q1 हो गया, गड़बड़ हो गई। तो 4Q1 में से Q1 इंडक्शन का, 3Q1 मेरा। ऐसे यहां पर 9Q1 में से 4Q1 इंडक्शन का, 5Q1 मेरा। और उसने ये तो पूछा कि आपने जो चार्ज दिया उसकी रेशियो बताओ, इंडक्शन का मत बताओ, तो 1:6:5। समझ में आ रहा है कि शेल्स कैसे आपको उलझा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। हालांकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले डाल दिया, ट्रिकी क्वेश्चन डाला ताकि आप जल्दी पकड़ में करें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसे? ठीक है यहां तक? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास एक, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रिजल्ट है, हमने गॉस थ्योरम का एक रिजल्ट किया था नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का, कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है जिसके अंदर वॉल्यूम में चार्ज है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर e की वैल्यू बताओ क्या होगी? हमने डेरिवेशन की थी कितनी? ρr/3ε0 किया था। ये कोई डाउट इसमें? ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है। क्वेश्चन ये है, इस स्फेयर के अंदर से मैंने एक स्फेयर काट के फेंक दिया। देखो ये तो फिजिक्स वालों की हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, काट पीट बहुत करते हैं। सेंटर ऑफ मास में डिस्क में से डिस्क काट दी, मोमेंटम इनर्शिया में डिस्क में से डिस्क काट दी, स्फीयर में स्फीयर काट दिया। ऐसी सेम क्वेश्चन आ गया, एक स्फीयर में से एक स्फीयर काट के फेंक दिया, ठीक, सच दैट अब जो चार्ज है वो सिर्फ इस जगह पर प्रेजेंट है, बस जो चार्ज है बस वो यहीं प्रेजेंट है, बस बात खत्म, ठीक है। तो चार्ज है वो यहां पे प्रेजेंट है, अब यहां पे तो चार्ज नहीं है, बचा हुआ चार्ज
कोई भी एक पॉइंट लो, कहता है पी इस कैविटी के अंदर, खाली एरिया के अंदर कोई पॉइंट ले लो पी कैविटी के अंदर, इस कैविटी के पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बचे हुए चार्ज की वजह से, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। और गिवन है इसके सेंटर, बड़े स्फेयर के सेंटर और छोटे स्फेयर के सेंटर में दूरी कितनी है, ए, या ए वेक्टर गिवन है, ए गिवन है। तो मुझे एक चीज बताओ, सिंपल है, एक स्फेयर में से कुछ नहीं काटा, पी पॉइंट यहां पे है, इस पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस में ई कितना लगाना है, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। इमेजिन करो मैंने ये वाला पोर्शन काट के फेंक दिया, अब मैं पी पॉइंट पर ई निकालना चाहता हूं, ये सेंटर के बीच में दूरी गिवन है ए वेक्टर, इसके सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है आर वेक्टर, और इसके सेंटर से पी पॉइंट की दूरी गिवन है बी वेक्टर, ये कुछ गिवन नहीं है, मैंने खुद एज्यूम किया बी वेक्टर, आर वेक्टर, ए वेक्टर गिवन है सिर्फ। ट्राइंगल लॉ लगाया, ये इसका रिजल्टेंट है बी वेक्टर इज आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये बताओ अगर मैंने कुछ ना काटा होता, पूरा स्फेयर होता, तो इसके सेंटर से ये दूरी कितनी है बी, तो बी डिस्टेंस दूर ई का फॉर्मूला क्या लगता है, रो बी बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। और इमेजिन करो अगर ये स्फेयर नहीं है, सिर्फ इसमें चार्ज होता, सिर्फ इसमें चार्ज होता, तो इसने सी पॉइंट से पी पॉइंट पर कितनी वैल्यू ऑफ ई लगाई होती, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, पर हमने इसको काट दिया तो इसके अफेक्ट को हमने माइनस कर दिया। पहले हमने पूरे स्फेयर का ई ले लिया पी पॉइंट पे, फिर हमने कैविटी कैविटी के अंदर के स्फेयर का ई की वैल्यू ले ली, कैविटी में से स्फेयर को फेंक दिया, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस हो गया। तो आर वेक्टर की वैल्यू यहां पे पुट की, ओपन किया, ओपन करके ये आंसर आया। आपने घर जाके इसको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, आप फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करें, सीधा शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव में लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिखे पहले इस क्वेश्चन में, नॉट फॉर एनसीईआरटी, कंपटीशन के लिए भी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, आपको सीधा रिजल्ट है आज के बाद। अगर एक स्फीयर गिवन है और उसमें कैविटी है और दोनों सेंटर के बीच में दूरी क्या है ए, तो इस पॉइंट के ऊपर इस कैविटी में, रिपीट कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कैविटी में पॉइंट भी जहां मर्जी ले लो, जहां मर्जी ले लो, पी कांस्टेंट आएगा और कितना आएगा इसके इक्वल आएगा, ए तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैविटी में विल रिमेन सेम। ये फॉर्मूला याद कर लो कि दोनों स्फेयर के बीच में सेंटर का डिस्टेंस चाहिए होगा, सीधा 1 मिनट में ई की वैल्यू आ जाएगी, क्लोज है रिजल्ट, कुछ करना ही नहीं इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है? सीबीएसई एनसीईआरटी में कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। तो इसलिए फॉर्मूला बुकलेट में इसको नोट करना है, फॉर्मूले को, फॉर्मूला बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही बचाएगी बुक्स। तो क्या ये कितने बुक्स कर लोगे, कर नहीं पाओगे इतनी बुक्स। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो छोटे छोटे रिजल्ट हैं इसमें ऐड करते जाने हैं। ठीक, बढ़िया रिजल्ट है, काफी एफर्ट बचाता है आपका ये, 1 मिनट में आंसर, कोई भी कांस्टेंट जहां मर्जी पॉइंट दे दो आंसर सेम ही है। ठीक है, लगाओ फिर जो लगाना है अपने पुराने रिजल्ट, उसका कोई इलाज नहीं है, बस इसी पे चलेगा। ये क्वेश्चन आप इसी के ऊपर बेस्ड है होमवर्क, ये भी होमवर्क है, या वो मेंस उसमें मिल जाएगा, नॉन मेडिकल वालों को ना अपने पुराने उसमें मिलेगा, आप चिंता मत हो, रास्ते में आएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी। मेंस में कम से कम मैं आपको मेंस की प्रीवियस ईयर में 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को दिखा सकता हूं अलग अलग फॉर्म में। जो डाउट लेके आ रहे थे ना स्टूडेंट, सर ये देखना स्फेयर का क्वेश्चन, वो क्या इंटीग्रेशन, ये वही है, और हर चौथा क्वेश्चन इसी पे है। नीट में थोड़ा छोटा आएगा, मेंस में तो एज इट इज आए हुए हैं। टेक्निक एक बार सीख लो, मैं कहता हूं 2 मिनट का काम है, जितना मर्जी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 2 मिनट सॉल्व हो जाएगा। पहले टेक्निक समझते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या क्वेश्चन है जो बार बार 5-6 बार दिया जा रहा है। देखो आप अगर सॉलिड स्फीयर की बात करो, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, तो हमने ये गॉस थ्योरम में किया हुआ है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज गिवन है, और कोई मुझसे ये पूछे कि आर डिस्टेंस दूर डेंसिटी इसकी रो है, ई की वैल्यू क्या होगी,
तो मैं बोलूंगा रू आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब कॉम्पिटिशन वाले ये क्यों नहीं पूछते? वो तो पूछ सकते हैं, वो नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि लोग ना इसके रट्टे मार के आ रखे हैं कि आर पुट करो आंसर आ गया। वो क्या कहते हैं कि हम सेम क्वेश्चन देंगे, हम भी सेम क्वेश्चन देंगे और नॉन कंडक्टिंग देंगे, हम भी आर डिस्टेंस पे ई पूछेंगे, पर हम रो कांस्टेंट नहीं देंगे। और एनसीईआरटी क्या करती थी, रो क्या लेती थी, कांस्टेंट। तो यानी कि चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। कंपटीशन कहता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे क्वेश्चन आएगा रो इज इक्वल टू टू आर, भी अगर तुम स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो रो भी बढ़ रहा है। मैं मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ तो कुछ भी दे देगा, रो का कोई भी फॉर्मूला दे देगा, मैंने अपने मन से टू आर बना दिया। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू कम है तो रो कम है, ज़्यादा है तो रो ज़्यादा, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो रो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो चार्ज यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा है, सही है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो समझ में आ रहा है कि वो क्या टेस्ट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है नॉन यूनिफॉर्म में? आप सोचेंगे फॉर्मूला काम क्यों नहीं करता। देखो एक पॉइंट को समझो, अगर आप सपोज करो ये एक स्फीयर ले जिसमें रो की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और आप मुझसे ये पूछें कि रेडियस आर है कि सर आप बता सकते हैं इस पर टोटल चार्ज क्या होगा? मैं कहा हाँ बता सकता हूँ, कैसे, रो को इसके वॉल्यूम से क्या कर दे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, डन, क्लोज है, सही है, डन है। लेकिन अगर कोई ये कहे सर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर तो चार्ज थोड़ा ज्यादा है, यहां पर चार्ज ज्यादा है पर यहां पर चार्ज थोड़ा कम है, और रो की वैल्यू टू आर के साथ चेंज हो रही है, तो क्या आप मुझे इसका चार्ज बता सकते हैं? तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर दूंगा और रो को पुट करूंगा टू आर, तो वो गलत सोच रहा है। वो क्यों? क्योंकि लॉजिक ये कह रहा है कि यहां पर चार्ज कम है, तो यहां पर चार्ज डी क्यू कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, डी क्यू की इंटीग्रेशन, तो जाके टोटल चार्ज आएगा। तो क्या सीखा हमने, जिन क्वेश्चन में रो कांस्टेंट है नहीं उसमें टोटल चार्ज मल्टीप्लिकेशन से निकलेगा नहीं, बाय इंटीग्रेशन ही निकलेगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो आप इसमें फॉर्मूला बुकलेट में लिखें प्लीज, ठीक, फॉर्मूला बुकलेट में लिखें कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, रो की वैल्यू टू आर है, ये एक स्फीयर है, ठीक, एक स्फीयर है, रो ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएगा फाइंड टोटल चार्ज, ठीक, ये लिख लें क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टोटल चार्ज निकालने को आएगी, आप भूल जाएंगे, आप न्यूमेरिकल सर्च करेंगे, आप सिर्फ ये फॉर्मूला देखें जो मैं करने जा रहा हूं, बस इतना देख लें, ठीक है। तो ये अब क्या इसमें शॉर्टकट बनाएंगे, देखो ये जो स्फीयर है ना ये किससे बना हुआ है, बहुत सारे शेल से बना हुआ है, ये उनमें से एक शेल है, ठीक है, ये शेडेड कर रहा हूं, उनमें से ये एक शेल है। क्यों? क्योंकि शेल के बाहर शेल के बाहर शेल के बाहर शेल के बाहर शेल जोड़ोगे तो सॉलिड स्फीयर बनेगा। तो एक शेल पकड़ लो, इस शेल का रेडियस बना लो आर और थिकनेस क्या है डी आर, आर और डी आर, नॉट फॉर एनसीईआरटी, साथ लिख लेना प्लीज, देख भी मत लेना एनसीईआरटी के लिए, कुछ कोई नंबर नहीं आने आपके इससे, स्कूल में नहीं आता ये, मैंने बता दिया मेन्स या नीट की ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो डी आर है और इस पे स्मॉल चार्ज कितना है डी क्यू है, ठीक। अब आप ये देखो इसके अंदर और इसका वॉल्यूम कितना है डी वी है, इसका अंदर का वॉल्यूम शेडेड डी वी है, ये डी वी की वैल्यू बताएगा कोई कैसे निकलेगी, डी वी क्या है एरिया इंटू इसकी थिकनेस, बताओ डी वी की वैल्यू कैसे आएगी, एरिया क्या है इसका फोर पाई आर स्क्वायर और थिकनेस कितनी है इसकी डी आर, तो डी वी निकालना है सीधा फॉर्मूला, शेडेड डी वी क्या आएगा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस, लिख लिया, स्मॉल वॉल्यूम आ गया इसका, स्मॉल वॉल्यूम का स्मॉल चार्ज पता है क्या आएगा, रो को मल्टीप्लाई करेंगे
डीवी के साथ, वॉल्यूम छोटा है तो चार्ज भी छोटा है, कोई डाउट इसमें? तो डी क्यू क्या आएगा, रो इंटू डी वी। इसमें डी क्यू विल बी इक्वल टू रो, आप फॉर्मूला पुट कर देना कितना, 2R, और डी वी की वैल्यू कितनी है, 4πr² dr, ठीक है। और टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है तो दोनों साइड्स की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन 8πr³ dr, और लिमिट क्या लगेगी, पूरे स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मान लो पूरे स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, जीरो से लेके क्यू, तो क्यू की वैल्यू ये कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ये वैल्यू आएगी 8π/4 r^4 आंसर है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ऐसे निकलेगा टोटल चार्ज। तो एग्जाम्पल नोट कर लें, और जब ये पेपर में आता है ना, आप सोचेंगे यार इतनी बड़ी कहानी मैं सॉल्व करूँगा, नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप मुझसे पूछें, डाउट लेके आए कि सर देखना है टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, मैं पूछूंगा अच्छा स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग है, आप बोलोगे हाँ, अच्छा रो तेरे को गिवन है 2R या 4R, आप बोलोगे हाँ, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट करूँगा, या रादर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा जिसमें लिखूंगा कि देख टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू रो इंटू 4πr² dr, बस मैं ये देखूंगा, बस मैंने मन में ये फॉर्मूला बना रखा है। आप मेरे से जब डाउट पूछने आओगे ना, तो मैं सीधा मन में कैलकुलेट करूंगा 4πr² dr, तुम जो भी मुझे रो दोगे मैं यहां पुट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला काम का है, इन दी एंड के एग्जाम्पल के बाद ये नोट कर लेना, सबसे काम का ये फॉर्मूला है। इसमें समझ में आ रहा है यहां तक, मतलब इसको पहले समझाया फिर मैंने इसे क्या कर दिया, शॉर्ट बना दिया। तो शॉर्ट में ये लिखना है, अब जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स रो आ जाए उठा के पुट करो, इंटीग्रेट आंसर, ये टर्म विल रिमेन सेम, खत्म, सीधा शॉर्टकट। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे सोच रहे हैं, चार्ज कैसे निकलेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, क्लियर है? ठीक, ठीक है, करियर स्टार्ट क्वेश्चन देख, हाँ लिख लो लिख लो। आज कुछ लग रहा है कि चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स, लग रहा है कुछ हाइट्स ही अटेन हो रही है, ऐसे ही नहीं तो क्या, वेक्टर इधर वेक्टर, आपने सोचा कि क्या यार ऐसे ही तो कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इधर वेक्टर उधर वेक्टर इधर वेक्टर उधर वेक्टर, खत्म ही होगी कहानी। नहीं नहीं आज शुरू हुई है कहानी, रोती चलेगी। कोई चैप्टर स्टार्ट होता है नीचे से, फिर ऊपर उठता है, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर अभी आधे घंटे बाद देखना फिर नीचे आ जाएगा फ्लैट, फिर एनसीईआरटी पोटेंशियल नीचे 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 फिर ऊपर, ऐसे होगा। तो हर टॉपिक ऐसे उठता है, अब जिसको जिस लेवल पे काम करना है वो लेवल वहीं तक, मतलब उसका ब्रेन ही वहां तक काम करेगा, उसकी बॉडी वहां तक काम करेगी, फिर जोर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे होता है और क्या होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, देखो नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है तो देखो वो क्या शुरू करता है कि चलो एक रो की वैल्यू गिवन है, मेरे को ये फॉर्मूला देख के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये शेल नहीं हो सकता, ये सॉलिड स्फीयर ही होगा नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि रो होता ही वॉल्यूम वाइज है, ये शेल कैसे होगा, इसके तो अंदर चार्ज घुसा हुआ है तो रो है, और आर देख के पता लग रहा है कि ये एक रो की वैल्यू कांस्टेंट है नहीं, और अगला पॉइंट मेरे माइंड में क्लिक करता है, अच्छा रो कांस्टेंट नहीं, चल ये मेरे से चार्ज पूछेगा पहले, और चार्ज निकालने का तरीका रो इंटू 4πr² dr, खत्म, अगला स्टेप मेरे माइंड में ही आ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ भी लेते हैं। चलो वो कह रहा है ये डेंसिटी है, आर रेडियस है, टोटल चार्ज क्यू है, किसी पॉइंट पे आपको R1 डिस्टेंस पे E निकालना है, सिंपल है। वो कह रहे जी स्फीयर तो बहुत बड़ा है, जो स्फीयर की वैल्यू है वो तो ये पूरा स्फीयर ही स्फीयर है, इस पर चार्ज ही चार्ज है, बना लो इसमें प्लस 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 चार्ज बना लो। तो एक्चुअल में स्फीयर तो ऐसा है,
पर मेरे को ई की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन। अब एक पॉइंट सम, अगर ये रो कांस्टेंट होता इतना झगड़ा ही नहीं था, मैं बोलता रो आर वन बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, अगर रो कांस्टेंट होता। और अगर नहीं है तो मेरे पास कोई शॉर्टकट ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में जिसका कोई नहीं उसका गॉस तो बुलाना पड़ेगा, उसे गॉस थ्योरम कोई बचा ही नहीं सकता, जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है उसको सिर्फ एक ही बंदा बचाता है, गॉस। तो बुलाओ गॉस को, वो कहता है बोलो जी कहाँ ई निकालना है, पी पे बनाओ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे ई निकालना है। तो फिर पहला स्टेप क्या होगा, ई इंटू 4 पाई आर वन स्क्वायर, डन। फिर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है और रो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर मेरे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सीधा लिख रहा हूं, इसके अंदर आर वन डिस्टेंस तक का चार्ज निकालना है, तो लिमिट 0 से r नहीं लगानी, 0 से r 1 तक लगानी है, क्योंकि मेरे को चार्ज आर वन तक का निकालना है। तो यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, तो पुट कर दें इस क्यू इनसाइड की पूरी वैल्यू को यहां पुट कर दिया, कांस्टेंट 4 पाई से पाई कैंसल, सब बाहर आ गया, सिर्फ छोटा आर अंदर रह गया, इंटीग्रेट आंसर। मेडिकल में इतना बड़ा क्वेश्चन नो, जो मैंने बोर्ड पे किया वो हो सकता है क्योंकि रो बहुत छोटा है, 2 आर, उसकी इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, ये नॉन मेडिकल के, नॉट फॉर मेडिकल लिख लेना इसके ऊपर, आपने नहीं करना मेडिकल, नहीं करना एनसीईआरटी के लिए, नहीं है मेडिकल के लिए, नहीं है, सिर्फ नॉन मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी नहीं कह रहा आ सकता है, मैं वहीं से लेके आया हूँ मेंस की बुक में से, यही डाउट है आपके। और सुनो, ये तो क्वेश्चन आया आया, अगले साल फिर एक क्वेश्चन डाल दिया मेंस ने, ये लो, वो कहता है जी मैं रो चेंज कर दूंगा, कह रहे फिर से एक सॉलिड स्फेयर लो, अगर सॉलिड स्फेयर के अंदर कैपिटल आर तक जाते हो बाउंड्री तक तो रो का ये फॉर्मूला, और अगर बाहर जाते हो तो फिर रो है ही नहीं, और बाहर रो कैसे लेगा, बाहर तो हवा है सॉलिड स्फेयर के, हवा में थोड़ा चार्ज होता है, तो बाहर तो चार्ज होगा ही नहीं, तो रो 0। लेकिन बताने का तरीका देखा कैसा है, मतलब ऐसे सीधी बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसे बना के दे रहा है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, कि सॉलिड स्फीयर के अंदर तो ये रो, बाहर तो है ही नहीं रो। अब वो कह रहे हैं काम करो आर डिस्टेंस पे ई निकाल दो, तो फिर सेम प्रॉब्लम, आर डिस्टेंस पे गॉसियन ई इंटू 4 पाई, यहां से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इस गॉसियन के अंदर बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसियन के अंदर का चार्ज क्या होगा, वही क्वेश्चन शॉर्टकट, रो इंटू डीवी, रो ये रहा डीवी ये रहा, 0 से r तक इंटीग्रेट, मेडिकल वाले छोड़ दें कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी छोड़ दें, नॉन मेडिकल वालों को इंटीग्रेशन में आज के टीचर करवाएंगे, वैसे इतनी आती भी आपको, सॉल्व करके यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेना, ऐसा आएगा। तो इंटीग्रेशन का काम मैथ करवा देगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैसे चेंज कर करके आ रहा है, कोई डाउट इसमें? आ रही है ना फील, ठीक सी फील आ रही है ना, कि कुछ किया है हल्के में ले गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी बुक में मिल सकती है आपको, आएगी नहीं आएगी पता नहीं, आज तक आई नहीं है, पर लोग ले आते हैं सर ये कैसे करना है, एंड में जब बोर्ड का पेपर आता है बता देता हूँ। क्वेश्चन एक बार देखो जरा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है अर्ली मॉडल फॉर एन एटम, अर्ली कोई ना एटम का कहता जी मॉडल होता था जिसके अंदर ना न्यूक्लियस के आसपास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करते थे, कौन सा मॉडल था, थॉमसन मॉडल होता था, थॉमसन कहते थे इसे, अच्छा पुडिंग मॉडल, हाँ वही था। तो एक न्यूक्लियस है बीच में और वो कह रहा है जी इसके आसपास इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चलो कौन सा मॉडल पता नहीं पर ऐसा कहता है, ऐसा बहुत पुराने जमाने में ऐसा सोचते थे। आगे ये रहा न्यूक्लियस डॉट जेडी, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है, आपको इस एटम के अंदर आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है।
अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है, सॉलिड स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर में फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, पर क्योंकि रो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, न्यूक्लियस में अलग चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का अलग चार्ज है, तो कैसे रो यूनिफॉर्म हुआ? अकेला इलेक्ट्रॉन होता बात अलग थी, या तो न्यूक्लियस का चार्ज भी है, तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, तो फिर किसको बुलाना पड़ेगा फिर से? गॉस। तरीका ही कोई नहीं है, तो फिर गॉस थ्योरम बनाओ, गॉसियन सरफेस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करने के लिए न्यूक्लियस का चार्ज है प्रोटोन का Zd, और साथ में किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि इसके आसपास क्या फैले हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है रो वाइज, अब रो तो मुझे गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो एटम में क्या है? न्यूक्लियस है Zd, Zd, और साथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में फैले हुए हैं? पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, 4 बाई 3 पाई कैपिटल R³ इंटू डेंसिटी इसका चार्ज है, और क्योंकि न्यूट्रल है तो नेट सम क्या आएगा चार्ज का? 0। तो यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई? रो की, और रो क्या है? नेगेटिव। रो तो वैसे ही नेगेटिव आना था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो रो निकाल लिया। अब यहां पे पुट करें, इनसाइड चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम कितना है? 4 बाई 3 पाई R³ इंटू डेंसिटी रो, तो किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। रो की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दें, नेगेटिव में सॉल्व करें, ई की वैल्यू आ गई, डन। बाकी तो कैलकुलेशन है।